गाइस आज की वीडियो में हम बात करेंगे अनुराग शर्मा के सीरियल्स के बारे में और उनकी लव स्टोरी के बारे में। दोस्तों आप लोग चैनल को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अनुराग शर्मा शोज जी टीवी के शो पवित्र रिश्ता में सतीश देश पांडे का किरदार निभाया। स्टार प्लस के शो तेरे लिए में सुशांत राजशेखर का किरदार निभाया। सोनी टीवी के शो ब्याह हमारी बहू का में रजन गांधी का किरदार निभाया। सोनी टीवी के शो अदालत में अभय कुमार अहलावत का किरदार निभाया। जी टीवी के शो जोधा अकबर में महाराणा प्रताप का किरदार निभाया। बिंदास चैनल के शो ये है आशिकी में प्रतीक बोस का किरदार निभाया। लाइफ ओके के शो अजीब दास्ता है ये में संदीप मेहरा का किरदार निभाया। स्टार प्लस के शो ये है मोहब्बतें में परमित उर्फ परम खुराना का किरदार निभाया। ये है मोहब्बतें से ही अनुराग शर्मा फेमस हुए। जी टीवी के शो कुमकुम भाग्य में राज मेहरा का किरदार निभाया। सोनी टीवी के शो इतना करो ना मुझे प्यार में राम कपूर का किरदार निभाया। स्टार प्लस के शो कुछ तो है तेरे मेरे दरमियान में रुद्र नागरथ का किरदार निभाया। कलर्स टीवी के शो कवच काली शक्तियों का में शक्ति शाह का किरदार निभाया। कलर्स के शो उड़ान में जतिन श्रॉफ का किरदार निभाया। अनुराग शर्मा लव स्टोरी। अनुराग शर्मा और नंदिनी गुप्ता की लव स्टोरी बहुत अच्छी है। अनुराग शर्मा का कहना है कि मैं और नंदिनी दोनों एक ही मोहल्ले में रहते थे। दोनों रास्ते में कई बार एक दूसरे से टकराए। मुझे नंदिनी काफी पसंद आई। पहले तो अनजाने में हम दोनों एक साथ एक ही जगह पे मिल जाते थे, बट फिर मैं नंदिनी का वेट करने लगा। जिस वक्त नंदिनी बाहर जाती मैं भी उसी वक्त निकल जाता और रास्ते में हम दोनों एक दूसरे से मिल जाते। मैं तो अपनी मर्जी से ऐसा करता था क्योंकि मुझे नंदिनी से मिलना बहुत अच्छा लगता था, पर नंदिनी तो अभी भी इस बात से अनजान थी। उसको ऐसा लगता था कि ये सब कोइंसिडेंस है। जब काफी बार हम दोनों की मुलाकात हुई तो नंदिनी ने मुझसे कहा कि लगता है कि हम दोनों का मिलना भगवान की मर्जी है। मैंने कहा वो कैसे? नंदिनी ने कहा मैं जहाँ भी जाती हूँ आप मुझे मिल जाते हैं। मैंने कई बार आपको देखा है बट शायद आपने नोटिस नहीं किया। मैंने कहा हो सकता है। उस वक्त मैंने नंदिनी को ये नहीं बताया कि मैं जानबूझ के उसका पीछा करता हूँ, इसलिए हमेशा एक ही जगह पर हम दोनों मिल जाते हैं। धीरे धीरे हम दोनों की नजरें मिली और हम दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। बाद में मुझे नंदिनी ने बताया कि वो मुझे पहले से ही पसंद करती थी और वो जानबूझ के घर से बाहर उस वक्त ही निकलती थी जिस वक्त मैं उसको देखता था, बट उसने ये बात मुझे कभी कहा नहीं था क्योंकि नंदिनी चाहती थी कि पहले मैं उसे प्रपोज करूं, इसलिए उसने कभी ये बात मुझसे नहीं कहा। अनुराग शर्मा और नंदिनी गुप्ता ने 5 साल तक एक दूसरे को डेट किया। सन 2020 में अनुराग शर्मा और नंदिनी गुप्ता की शादी हुई। गाइस आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा।